नमस्ते दोस्तों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में बाल महाभारत कथा भाग 6 कुंती पढ़ेंगे। प्रश्न उत्तर का वीडियो अलग से है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदु वंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनके प्रथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान ना थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने एक वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए, उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्ये, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा, इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधीरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसने एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधीरथ निसंतान था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्य पुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराजा पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्राज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको ये पता नहीं था कि ये ऋषि दंपत्ति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया। ऋषि के श्राप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंप कर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के श्राप वश वह संतानोपत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह के पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने
देवताओं के अनुग्रह से पांच पांडवों को जन्म दिया। वन में ही पांचों का जन्म हुआ और वही तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस वन में रहे। वसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गार में सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के श्राप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा, पति की मृत्यु का वह कारण बनी। यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। इस दुर्घटना से कुंती और पांचों पांडवों के शोक की सीमा न रही। वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुत्र किया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा ना रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गईं। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग सिधार गईं। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें ना देखना ही संभव था, उन्होंने उचित समझा। बाल महाभारत कथा का भाग 6 यहाँ समाप्त होता है। अगला भाग है भीम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्रश्न उत्तर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर। बाय।